तो चलिए भाई, अभी रेडी हो गया हूँ मैं और अभी निकल रहा हूँ। आज हमारा मैच है और मैच पता कहाँ पे है? तो ये है हमारा गांव और हमारा मैच ना सामने पाप जो जगपुड़ा है और वहाँ पे मक्कू मठ जहाँ पे तुंगनाथ भगवान की शीतकालीन गद्दी स्थल है ना, वहीं पे हमारा मैच है उसके जस्ट ऊपर गांव में। और उस वहाँ जाने के दो रूट हैं, एक तो सामने सामने से जाया जाता है और एक ऊपर चोपटा से जाना पड़ता है। तो अभी देखेंगे कौन सा वाला रास्ता सही है। तो अभी तो हम अपने घर से रोड पर पहुँच गए और चाचा भी आ गए, तो अभी बाइक से ही जाएंगे आज भी हम। चलिए जी। तो अभी हम लोग ना उसाड़ा गांव में पहुंच गए जहाँ पे पांडव नृत्य हो रहा था। तो अभी देखो वहाँ पे वो लोग उसका जो ऊपर चद्दर वद्दर लगाई हुई थी वो सब निकाल रहे हैं। और इस गांव में अभी तक धूप नहीं आई और हमारा गांव देखो सामने है, वहाँ पे अच्छी वाली धूप आ गई है। तो अभी हम लोग देखो अपने गांव के ठीक सामने वाले जगह पर आ गए हैं, जहाँ मैं बोलता हूँ ना हुड्डू बंगाली, ये वाली जगह है, ये वाले गांव है, वहीं पे आ गया हूँ। और हमारा गांव देखो सामने इस वाले पहाड़ पे है और यहाँ से कितना बड़ा दिख रहा है वो पहाड़। और हाइट देखो यार हमारी ना, मतलब ये गांव कितने डाउन पे है, नदी यहाँ नीचे है और हमारा गाँव देखो कितने ऊपर पहाड़ पे है, बाप रे। तो अभी तो हम यहाँ से आ गए और अभी हमें यहीं से ना सीधा आगे आगे जाना है। तो यहाँ पे ना मैं उतर गया हूँ, तो यहाँ पे अभी मेरे को नीचे उतरना पड़ा क्योंकि ये रोड ना नया नया ही बना है अभी। इधर से हम जैसे मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं भी हम जब जाते थे ना ऊपर वाले रास्ते से जाते थे, तो अभी मैं यहाँ पे उतर गया हूँ और चाचा लेके जाएगा अभी। तो रोड आगे पूरा खतरनाक रोड है, तो चाचा देखते हैं कैसे लेके जाता है भाई। चल आराम से चल। तो भाई ऐसा रोड है यहाँ पे। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ना, हम दोनों तो बाइक से आ रहे हैं, चलो हम तो आराम से निकल जाएंगे, लेकिन पीछे हमारी पूरी टीम आ रही है कार से। अभी नहीं नहीं कल ही अभी कार निकली है और उससे ही आ रहे हैं, तो उनके लिए मतलब यहाँ पे रुकना पड़ेगा, उनको धक्का मारना पड़ेगा इधर। तो भाई हमें ना गाड़ी यहीं पर रोकनी पड़ गई है क्योंकि ये वाली चढ़ाई ना गाड़ी चढ़ नहीं पाएगी। तो अभी नई गाड़ी है तो लग नहीं रहा कि अभी इतना खींच पाएगी वो, तो अभी गाड़ी यहीं रोकते हैं और बाइक से ही हम दोनों मतलब किट वगैरह लेके चलते हैं। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ये नज़दीक में है तो वहाँ तक हम पैदल चल लेंगे। और सामने देखो एक मस्त वहाँ पर तालाब भी बना हुआ, नदी मतलब धूप आती तो मस्त नहाने के लिए भी हो जाता। बाकी वो हमारी टीम अभी गाड़ी तो वहीं पर रोक दिया और टीम भी आ रही है। अब यहाँ पर मुझे ही सेकेंड गियर डालना पड़ रहा है, इतना चढ़ना पड़ रहा है तो बाइक का भी धुआँ निकल गया, तो कार तो यार धक्के से भी मुश्किल ही आ पाती है। चाचा ने वैसे चाचा ट्रेन है भयंकर है, तो चाचा ने चढ़ा ही लिया आखिर। वैसे गाड़ी ना ये वाली चढ़ाई तो चढ़ लेती, लेकिन दिक्कत ये है ना जो ये है ना, ये पानी भरा हुआ इन गड्ढों में, तो यहाँ गाड़ी फंस जाती। और अभी अभी तो ये रोड नया नया ही बना है और उधर देखो अभी जेसीबी भी वहीं पे है, तो इसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। टीम देखो भाई पैदल ही आ रही है आज। हलो एक रे एक ही। तो चलो हम भी पहुँच गए पाप में और हम देखो कहाँ से आए हैं, वो सामने वो पहाड़ दिख रहा बर्फ़ वाला पहाड़, उसके जस्ट नीचे वाला हमारा गाँव है और यहाँ से इस वाली रोड से आए हम। तो वहाँ सामने कच्ची रोड थी तो इसलिए गाड़ी छोड़नी पड़ी और मैच ना यहाँ ऊपर हो रहे हैं। तो हमारे पास बाइक थी तो हमने सोचा किट बैग भी हम ही लेके चलते हैं, तो अभी किट बैग भी लेके आ गए, अब हम चलते सीधे मैदान में, तब तक वो लोग भी पहुँच जाएंगे पैदल। और यहाँ भी देखो माल्टे कितने बड़े बड़े, यहाँ तो घर से बड़े बड़े माल्टे हो रखे हैं यार। हमारा दूसरा मैच है, तब तक माल्टे लेके चलते हैं, अपने भी माल्टे खा लेंगे। तो मैच यहाँ सामने पे हो रहा है सारे खेत में और ये देखो ये बाउंड्री देखो। तो पहाड़ी मैचों की जो परिभाषा होती है ना वो आज समझ में आएगी, क्योंकि जहाँ पे इन लोगों ने मैच करवाया ना आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे मैच करवाए, उधर नीचे ना जब लाइनमैन वहाँ पे खड़ा होगा तभी डिसीजन मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं दिख रहा बाउंड्री, लॉन्ग ऑन की तो दिख रही है बाकी पीछे की भी नहीं दिख रही है, ऊपर की तो वहाँ पे कमेटी बनी हुई है दिख रही है। और यहाँ का सबसे डाउट तो यहाँ इस चीज़ का है कि यहाँ अगर किसी ने मार देना लोगों के घर पर कहीं लगना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा इशू रहेगा वहाँ पे। और सिक्स देखो लोगों के किचन पर लिखा हुआ है सिक्स, तो यहाँ पे खेलने का भी भाई अलग ही मजा आएगा आज। तो ये हमारे कैप्टन साहब क्या लिया भाई? फील्डिंग। फील्डिंग टॉस हारे ना, टॉस हार के
आज हमारे देखो सीनियर प्लेयर आ रहे हैं बहुत बढ़िया। टॉस हार के हमारा मतलब पहले बॉलिंग करने का वो मिला, तो ये लोग बैटिंग करेंगे। तो जो हमारा मैच है जो यहीं की लोकल टीम है पाप की, उनसे ही है। तो आज यहाँ पे पांडव नृत्य वगैरह भी है, तो इसके कारण आज एक ही मैच होगा और वो 12-12 ओवर का खेला जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए, तो मिलते हैं आपको बैटिंग करने के टाइम पे। बढ़िया शॉट यार, बहुत बड़े शॉट। बढ़िया शॉट है यार। स्लो डाउन यार बॉल पे। तो चलो भाई मैच तो हो गया हमारा ख़त्म, और अभी आज 20-22 रन से हार गए हम लोग। मतलब उन्होंने बनाए थे 137 और हमने भी 112 रन बना दिए थे, बट वो थोड़ा सा हार गए किसी कारणवश। आज ऐसी टीम, ऐसे नॉर्मल सी टीम ले आए हम भी। बाकी अभी ना अभी हम चलेंगे किट बैग लेके, और लोग वहीं पर गाड़ी वहीं छोड़ी हुई है, तो वो लोग उसी पैदल ही चलेंगे। तो अभी हम लोग तो वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमने सुबह गाड़ी खड़ी करी थी, और हम बाइक से किट लेके आ गए। अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं उनका भी जब तक वो आता है, क्योंकि जो किट है ना वो गाड़ी में जाएगा और फिर हम दोनों चले जाएंगे, नहीं तो वो ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी वो लोग आ जाएंगे तो फिर हम साथ में जाएंगे। फिर चल जा रहा हेलो 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 प्रणाम प्रणाम प्रणाम, ठीक है ना? घर पे आके देखो भाई भी मिल गया। भाई अगर गेस्ट को लेके भी आ गया तो चाय लेकर लेकर ना लेकर ना मैं चाहते। तो घर पे आके अभी लंच करते हैं। और क्या रहा है तुम श्रीनगर से मिले? कुछ नहीं, इतने फ्लिपकार्ट का ला रहा था मैं। क्या किस कार? अच्छा तीन याद लिया क्या? क्या क्या? तो अभी लंच करते हैं और फिर आज तो थकान, अभी थकान लग गया, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और उसके बाद अभी गेस्ट और मतलब आज 10-12 लोग हैं, तो फिर उनके प्रिपरेशन भी करनी है। देखो आज पापा ने कितना सामान ला रखा है, मैगी कितनी कितनी सारी पैकेट ला रखे हैं, कॉफ़ी के पैकेट, दूध, क्योंकि गेस्ट है ना और 3-4-5 दिन तक लगातार गेस्ट हैं, तो फिर इतना सामान लगता ही है। कहाँ के लिए ला रखे तुमने ये? शादी के लिए? ना अजीब लग रहा है ना, क्रीम कलर एक बड़े नहीं ये और दीवार का कलर सेम हो गया भगवान का, अजीब लग रहा है। कैसा लग रहा है आप लोगों पापा का ये नया रूप? ये बोल रहे पापा शादी में पहनेंगे। आज देखो आज यहाँ मंडा लग गया, बहुत सारा प्याज भी मैं काट रहा हूँ, मम्मी सब्जी काट रही है, और अभी देखो कुछ लोगों से मिलाते हैं हम आपको। तो आगे वो लोग जिनके साथ हम अभी बैठ के चाय पी रहे हैं। हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? देखो अभी मैं यहाँ पे वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ, प्रवीण भैया और रजत भैया का मैंने पहले ही ब्लॉग बना रखा है। ये हमसे पिछली बार ही मिले थे और सेम टाइम ना? हाँ
लगभग एक साल। और आज देखो पिछली बार दो लड़कियां आई थी, अभी दो लड़के आ गए, चलो कोई नहीं, इनके साथ भी अभी फन वही करेंगे। इनके साथ भी कल हम तुंगनाथ वही वाला चौटा सनराइज करेंगे। पिछली बार भी हमने सनराइज देखा था और इस बार भी इनका प्लान वही है कि हम सनराइज देखेंगे, तो अभी जाने वाले हम कल, तो नेक्स्ट ब्लॉग वही आएगा चौटा तुंगनाथ चंद्रशिला वाला और सनराइज वाला, तो रहिए साथ में, फिर इनके साथ ही करेंगे कल। कल कितने बजे निकलेंगे? 3 बजे। 3 बजे पक्का ना? वैसे भी तुम बता रहे हो कि सो नहीं रहे हो रात में, काम काम, एक रात आने सो गए, अब तो सीधा वापस ही सोएंगे। चलो कोई नहीं कोई नहीं, सही है, चलिए। अभी रात के ना 10 बज गए हैं और आज देखो मेरा भाई भी आ रखा है, एक तो ये है एक ये है, ये मेरे ताऊ जी का लड़का है और ये अब्बू है, मम्मी है, वो खाना बना रहे हैं। बाकी अभी मैं डिनर कर रहा हूँ और आज मैं थोड़ा जल्दी डिनर करने लग गया, मतलब ये लोग थोड़ा सा लेट करेंगे क्योंकि मुझे ना कल सुबह 2 बजे निकलना भी है छोटा ट्रैक के लिए और अभी इनको बॉनफायर भी करवाना है, तो बहुत काम है भाई आज, तभी डिनर करते हैं और करते हैं आज के इस ब्लॉग को भी यही पैंट। पहले आपको डिनर दिखाते हैं। तो आज डिनर में मम्मी ने ना दाल बनाई है, आलू गोभी मिक्स वेज बनाई है, सैलेड है, रोटी है, बाकी चंगोरे की खीर भी है, तो वो भी टेस्ट करते हैं। और फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में चंद्रशिला में सनराइज के साथ। देखते हैं कल स्नो भी मिलेगी, कल का ब्लॉग जो आएगा ना खचपचा आएगा, स्नो वाला ब्लॉग आएगा, तो फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभरात्रि।